अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्ताने मोहतरम, मैं आपका भाई मुनिस अख्तर फैज़ी हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। एक भाई ने सवाल किया है ख्वाब की ताबीर के हवाले से कि ख्वाब में अगर मुर्दे को देखा तो उसकी क्या ताबीर होगी, साथ ही साथ किसी को मरते हुए देखा या कोई मर रहा है उसके बारे में ख्वाब की ताबीर क्या होगी। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अक्सर इस टाइप के ख्वाब लोग देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी मौत आने वाली है, आखिर इसकी ताबीर क्या है, इसको गौर से सुनिएगा देखिएगा। पहला सवाल जो है वो ये है कि ख्वाब में मुर्दा देखना कैसा है। अब देखिए, मुर्दा जो आपने देखा है ख्वाब में उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि आपने किस हालत में देखा है। मान लीजिए अगर मुर्दे को आपने देखा कि मुर्दा आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसके लिए इसाले सवाब कर दीजिए। अगर रिलेशन में मुर्दा है और आपने देखा कि वो आपसे कुछ मांग रहा है तो आप उसके लिए इसाले सवाब कर दें। अगर आपने देखा कि मुर्दा जो है बिल्कुल सही है और अच्छा लिबास है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से है, तब इसकी ताबीर ये होगी। अगर देखने वाला ख्वाब नेक है तो इसकी ताबीर ये होगी कि मुर्दा बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे से है, उसके ऊपर जो है कोई भी मामला तो उसके साथ गलत नहीं हो रहे हैं, वो अच्छा है। तीसरी चीज़, अगर मुर्दे को आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हालत में है, अगर उसको बरहना देखा या ये देखा कि बहुत ज़्यादा भाई परेशान है वो, तो ऐसे में भी जो है आपको जो है इसाले सवाब उसके लिए करना चाहिए। तो ये ख्वाब की ताबीर है। अब दूसरी चीज़, अगर किसी शख्स को मरते हुए देखा, मान लीजिए आपके कोई रिलेशन में है या किसी को जो है आपने देखा कि अचानक से ख्वाब में देख रहे हैं, वो शख्स ज़िंदा है लेकिन आप ख्वाब में देख रहे हैं कि उसका इंतकाल हो गया, रिलेशन में कोई आपके ऐसा है, तो इसकी ताबीर जो है अल्लामा साहब ने फरमाया है इसके बारे में कि अगर ख्वाब देखने वाला सच्चा है तो अगर इसकी ताबीर ये होगी कि उस शख्स को हादसात जो है आगे पेश आ सकते हैं। ये निशानी है इस तरीके के ख्वाब देखना। अगर आप देख रहे हैं कि कोई ख्वाब में आपके मर रहा है तो ये निशानी है कि उस शख्स के साथ में हादसात होने का अंदेशा है, निशानियां हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करें, सदका जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकाले और अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला वो मुसीबत को टाल दे। ये इन ख्वाबों की ताबीर है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह तबारक व ताला हम ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह तबारक व ताला आपके सवाल पर भी जल्द वीडियो बनाई जाएगी और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।